बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिंपल पांचटा मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौणी सोलन। नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर चुका हूं, एक मैंने ग्रीन टिप के आसपास एक डोज डाला था और जो दूसरा डोज था वो हमने अभी हमारे पी नट या उससे नीचे उसके आसपास हमने डाल दिया है। तो ये हमारी तैयारी है नेक्स्ट ईयर की भी, आपको इसी साल का ध्यान नहीं रखना है बल्कि अगले साल का भी रखना है। बहिद्दर श्रेष्ठा जी का क्वेश्चन है कि पत्ते खराब हो रहे, पीले पड़ रहे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा अभी फिलहाल बगीचों में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं आई है जिसकी वजह से पत्ते पीले हो रहे। जो पत्ता पीला हो रहा है वो आपका लीफ कर्ल और मोज़ेक वायरस है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। ऐसे पौधों को आप मार्किंग कर दे और अगले साल से उसका ध्यान रखें। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि भाई इंसेक्टिसाइड का कम इस्तेमाल, आप देखें कि हमने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया। अभी हम फ्रूट थिनिंग कर रहे हैं तो मुझे एक सिंगल फ्रूट भी ऐसा नहीं मिला जिसको कीड़े ने खाया है, क्योंकि टेम्परेचर लो था, जो हमारी सुंडी थी वो पैदा नहीं हुई। अब तो पौधा सेब का साइज भी बड़ा हो गया है, अब तो ऐसे भी नहीं लगती है। तो बीच में बहुत ही रेयर उसमें सेला का निशान है, आप देखेंगे फ्रूट में डिंपल से पड़े हैं अंदर को, बिल्कुल ऐसे डिंपल से पड़े हैं। तो वो डिंपल जो पड़ते हैं वो पड़ते हैं हमारे सेला से। सेला एक छोटा सा ग्रीन सा कीड़ा होता है जो फ्रूट के ऊपर लगता है और उसको चूसता है, तो वहां पर घाव पड़ता है और वहां पर जब वो हील होता है तो वो डिंपल का रूप ले लेता है। तो जो अब बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है कि आप फ्रूट साइजिंग के लिए क्या डालेंगे, तो सबसे पहले जो हमने डाला है, अभी हमने नाइट्रोजन दो बार दे दी है, अगर ओला है गणेश जस्टा जी का है कि अगर और ओला आया तो ये भी खराब हो जाएगा। गणेश जस्टा जी, कुदरत हमारे हाथ में नहीं है मगर हम अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि ओला आएगा, भगवान ना करे किसी भी बागवान के लिए ओला पड़े, मगर अगर फिर भी आता है तो मैक्सिमम हाइट्स में आता है और मैक्सिमम लोग अब हेल नेट के माध्यम से या एंटी हेल गन के माध्यम से उसको कोशिश कर रहे हैं कुदरत से लड़ने की। तो वहाँ तो सभी लोगों के लगभग अब हेल नेट्स का कार्य पूरा हो चुका है, या कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग असमर्थ